अरविंद केजरीवाल, आजकल यह नाम आपको ज्यादा ही सुन रहे होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री कहलाने वाले अरविंद केजरीवाल पर फिलहाल मीडिया का सबसे ज्यादा फोकस है और ईडी भी इन पर ज्यादा मेहरबान है। वो कहते हैं ना, बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा। अगर किसी के बारे में जानना हो तो उस पर बनी एक फिल्म देख लेना चाहिए, और कुछ ज्यादा ही जानना चाहते हैं तो उस पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री देख लेना चाहिए। बाकी आज मैं आपको इन पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री रिकमेंडेड करूंगा। जी हाँ, आज यह तो जानते होंगे कि केजरीवाल की सरकार कहां से आई है, पर अंदर की हकीकत कुछ और है। अगर आप भी राजनीति का शौक रखते हैं तो मैं आपको यह डॉक्यूमेंट्री स्ट्रांगली रिकमेंडेड करूंगा। मैं पहले ही बता दूं कि यह डॉक्यूमेंट्री हर किसी के लिए नहीं है। जहां पर कुछ लोग इनके पक्ष में आए हैं तो कुछ लोग विपक्ष में भी खड़े हैं। वैसे ही कहानी अन्ना हजारे जी के अनशन से शुरू होकर एक नई पार्टी बनाने की है। भले ही उनका इसमें कोई रोल ना हो, बाकी कहानी हमें कई सच से पर्दा हटाती हुई दिखती है। कहानी एक ऐसे प्लॉट से शुरू होकर बिल्डअप करती है कि इसका क्लाइमेक्स आपको हिलाकर रख देगा। कैसे कैसे पार्टी बिल्डअप करती है और कैसे कैसे लोग उस पार्टी से जुड़ते जाते हैं। कैसे एक व्यक्ति पूरा एम्पायर खड़ा कर लेता है जब उसके साथ सिर्फ एक व्यक्ति होता है और हजारों की संख्या में लोग उनसे जुड़ते जाते हैं। कहानी एक समय में एक ऐसे मर्डर मिस्ट्री से भी गुजरती है जिसे आप इस डॉक्यूमेंट्री में देख सकते हैं। केजरीवाल का कुमार विश्वास और योगेंद्र यादव को अपनी पार्टी में लाना, साथ साथ केजरीवाल का सीएम बन जाना, इन सभी का ट्रुथ ये डॉक्यूमेंट्री आपके सामने रखेगी। कहानी का डायरेक्शन और प्रोडक्शन दोनों काफी दमदार है। खुशबू रेंका जो इस डॉक्यूमेंट्री की डायरेक्टर है, इन्होंने बहुत अच्छे से रिसर्च करके इस डॉक्यूमेंट्री को प्लॉट पर लाया है। इस डॉक्यूमेंट्री में अरविंद केजरीवाल के सीएम बनने तक की पूरी जर्नी है कि उन्हें कैसे सीएम का पद मिला, यह सब जानने के लिए ये डॉक्यूमेंट्री देखें। और एक बात, सही और गलत हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते, उसे हम हमारे इंडियन लॉ पर ही छोड़ दें तो अच्छा है। बाकी और इस टाइप की वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। जय श्री राम।